2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है इसके साथ ही पिछले दस साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में पांच बड़े वादे किए गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना दो तक देने का वादा सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गो को आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख तक का मुफ्त इलाज का वादा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी इसके साथ ही गरीबों को तीन करोड़ घर दिए जाएंगे एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामा। चाहे वो आदिवासी हो यानी सबका साथ सबका विकास का जो एक अस्पष्ट स्वरूप इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा गया है मैं उसके बारे में इतना ही कहता हूँ समुद्र की तरह गहरा है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है आकाश से भी अधिक ऊंचा है जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती है तो हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके शक्तिशाली भारत आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने वाला भारत महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला भारत अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने वाला भारत मतलब कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा है जिस क्षेत्र में कोई कमी रह जाए ऐसा नहीं छोड़ा मैं संकल्प पत्र समिति का सदस्य भी हूँ इस नाते भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी और की अगुवाई में जो वरिष्ठतम सदस्यों की टीम थी यह संकल्प पत्र देश के सामने रखा है और मुझे लगता है कि जो यह संकल्प पत्र पढ़ेगा वो केवल कमल का बटन दबाएगा ही नहीं और लोगों से अपील करेगा कि अपनी ही मतलब जीवन की जिम्मेदारी नहीं अपने ही परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अब कमल ही खिलाना है 370 प्लस कमल का फूल मोदी जी ने मांगा है 400 प्लस भाजपा एन गठबंधन के लिए मांगा है वह जिताना है यह जिम्मेदारी देश का युवा भी उठाएगा महिलाएं भी उठाएंगी किसान भी उठाएगा और हमारे गरीब भी उठाएंगे हमारे आदिवासी भी उठाएंगे हमारे दिव्यांग भी उठाएंगे हर वर्ग उठा लेंगे सर समान नागरिक संहिता वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात इस संकल्प पत्र में कही गई है देखिए भारतीय जनता पार्टी के तीन वैचारिक मुद्दे थे जब हम दो सदस्य थे संसद में तब भी यह मुद्दा था कि हम अगर बहुमत के साथ देश की सत्ता में आएंगे तो जम्मू काश्मीर से धारा तीन हटाएंगे हटा दिया जी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था भाजपा पूरा सहयोग करने का आज बहुमत की सरकार हमारी आई रामलला का भव्य मंदिर बन गया सामान ना, नागरिक संहिता हमारा वैचारिक मुद्दा है और यह भी संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया गया है और इस वादे का स्वागत तो करता ही हूं लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह हमारी विचारधारा है जी हम विचारधारा से समझौता नहीं करते हम तुष्टिकरण नहीं करते सामान्य नागरिक संहिता का लाभ इस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को बदल करके रख देगा दंगावाद की राजनीति खत्म हो जाएगी तुष्टिकरण की राजनीति ख़त्म हो जाएगी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी सबके साथ सबके विकास की राजनीति शुरू हो जाएगी सर ये संकल्प पत्र आया विपक्षी पार्टियाँ खासकर अखिलेश यादव और कांग्रेस सवाल भी उठाने लगे हैं इसे जनता के लिए फायदेमंद नहीं बता रहे हैं देखिए अंगूर खट्टे हैं पढ़ा है मुहावरा आपने अब उसमें चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो अब उनको लगता होगा कि हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो तो झूठ का पुलिंदा था क्योंकि वो सत्ता में आने वाले भी नहीं हैं और जो वादा करेंगे उसको निभाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन कैसे आएंगे इसका भी ध्यान नहीं है मित्र देशों से और विश्व बिरादरी से कैसे संबंध बनेंगे इसका भी उनको ख्याल नहीं है गरीब को के जीवन स्तर में सुधार लाना है इसकी कोई उनके पास कार्य योजना नहीं है तो वह हमारे संकल्प पत्र पे सवाल उठा सकते हैं लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे इनका सीधे तौर पर कहना है कि संकल्प पत्र में आम जनता के लिए हर वर्ग के लिए सब कुछ है विपक्ष का जो संकल्प पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा न्यूज एटीन लखनऊ